खबर औरंगाबाद से है, जहां शादी के दौरान बालकनी टूट गई। हादसे में 12 लोग घायल हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जाती है। बताया जा रहा है कि जयमाला के दौरान दुल्हन को ले जाया जा रहा था, तभी 5 सेकंड में ही बालकनी टूट गई। वहीं बालकनी में खड़े 12 से अधिक लोग खिलौनों की तरह नीचे आ गए, जिसके बाद शादी में मातम पसर गया। दुल्हन की छोटी बहन प्रीति भी रेलिंग के ईंट की चोट से बेहोश हो गई। प्रीति ने बताया कि दीदी की शादी को लेकर वो काफी खुश थी, जयमाला देखने के लिए उत्साहित थी। जयमाला स्टेज पर भी उसे जाना था, लिहाजा खुशी दोगुनी थी। उसने बताया कि आगे मेरी बहन यानी दुल्हन थी और पीछे मैं घर के गेट से निकलकर खड़ी थी, और इतने में रेलिंग का छज्जा धड़ाम से गिर गया। एक ईंट से उसे भी चोट आई। पीछे मुड़कर देखा तो चीख पुकार मची हुई थी और इसे देखते ही वो बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो सिर्फ रोने और चिल्लाने की ही आवाजें सुनाई दे रही थी। मामले में दुल्हन की बहन प्रीति ने बताया कि छज्जा पहले से ही दरका हुआ था, ज्यादा भार से टूटने की पहले से ही आशंका थी, लिहाजा पिताजी ने सभी लोगों को छज्जे पर चढ़ने से मना किया था, पर कोई नहीं माना। बताया जाता है कि छज्जे में करीब 1.5 दर्जन महिलाएं और बच्चे बच्चियां चढ़ गए, लिहाजा छज्जा ज्यादा वजन नहीं पाया और टूट कर गिर गया, जिसके कारण सभी लोग जख्मी हो गए। छत था से टूटा हुआ था, उसी पे सब लोग जा के देख रहे थे। मेरे पापा सब कोई मना किए, तब पर भी कोई ना माने। हम लोग नीचे थे, दीदी के साथ में जा रहे थे, इसलिए ऊपर से छत पे से सब गिरे, इसलिए हम बेहोश हो गए थे।